विजय पार्क के शिव शक्ति मंदिर में हम लोग मौजूद हैं। ये जो इलाका है ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ एक मंदिर है। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? हाँ जी, हम 18-20 साल हो गए। पूजा पाठ का काम आपका ही है? हाँ जी। तो यहाँ पर जो दंगे हुए थे उसमें क्या ये मंदिर को भी कोई नुकसान पहुँचा? नहीं जी। अच्छा, हालात सामान्य थे? हाँ जी। आपसे किसी ने कुछ कहा हो, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है? नहीं कोई? जी, किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? ये हमें नहीं पता, बस बाहर रोड पे हो रहा था, जो हो रहा था हमें कुछ नहीं पता, हम बाहर ही नहीं निकले। जो एक माहौल बन रहा है ट्विटर पे, टीवी चैनल्स पे, हिंदू बना मुस्लिम का, क्या आपने महसूस किया है इस जगह पर? यहाँ पर कभी भी इस तरीका का माहौल नहीं रहा है। जब कभी पहले भी कभी 92 में या 84 में हुआ है तो ये पूरा मोहल्ला जो है, कम से कम हमारी 23-24 गली है, उन्होंने ऐसा काम किया है कि जैसे एक परिवार रहता है। हमने बाहर के उपद्रवियों को भी किसी को जो है ना अपनी कॉलोनी में ना अब आने दिया है, ना कभी पहले आने दिया था। इसकी जो है सारी की सारी जिम्मेवारी जो हमारे वो हैं, मोहल्ले के बुजुर्ग लोग हैं, मौजी लोग हैं, वो सारे के सारे अपने हाथ में रखते हैं। अब भी बहुत मतलब हर्ष हो रहा है, ऐसी आफत में भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का, किसी बच्चे से लेके बूढ़े से लेके किसी में कोई तनाव नहीं है। सारे एकजुट होकर समस्या के समाधान के लिए हर समय तैयार। मोहल्ले के लोगों में तो कोई तनाव नहीं है, लेकिन मोहल्ले में पत्थरबाजी की घटना हुई थी, कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। वो कौन लोग थे? लेकिन वो जो है वो बाहर के ही लोग थे ज़्यादातर, और बाहर पर ही हुई है। अंदर कोई एक भी रोड़ा किसी के पास ना किसी ने यहाँ से फेंका है, ना ही बाहर से कोई रोड़ा यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी के घर पे आया है, ना किसी हिंदू के घर पे आया है, ना किसी मुसलमान के घर पे आया है। क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके में आप रहते हैं और एक माहौल बन रहा है हिंदू बना मुस्लिम का, उन लोगों को जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो लोगों को पहचान कर उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो चाहे मुस्लिम समुदाय से, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम उन सब का बहिष्कार करते हैं। ये समाज को तोड़ने की जो है योजना है उसका पूरा विजय पार्क, जितने भी हिंदू मुसलमान जो हैं वो सभी उसका बहिष्कार करते हैं पूरी तरीके से। उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? उनसे हम कहना चाहेंगे कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, वो ऐसा काम ना करें, ऐसे कामों को छोड़ के वो भले के काम में लगें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।